वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस यानी शुक्र ग्रह क्या होते हैं, आज अपन इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर्पस एस्ट्रो, और अपन शुरू करते हैं वीनस के साथ। तो वीनस होता है ब्यूटी, लग्जरी, ब्यूटी बोले तो खूबसूरती किसी भी चीज़ की जो अपन देख सकते हैं, जो अपन एडमायर कर सकते हैं। बहुत से लोगों आप देखना देखा होगा आपने कि वो चीज़ों में खूबसूरती नहीं देख पाते हैं, और देखते भी हैं तो वो उसे एडमायर नहीं कर पाते हैं, वो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्वालिटी होती है वीनस की। और वीनस होता है प्यार, जो आपकी प्यार आप किसी इंसान से करते हैं तो वीनस हो जाता है आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड। एक्चुअली मेल्स के लिए होती है वाइफ, और फीमेल्स के लिए जो पार्टनर होता है वो कुछ केसेस में मार्स होता है और कुछ केसेस में जुपिटर होता है। तो वीनस होता है प्यार और रिलेशनशिप्स और आपके पार्टनर्स। और ये बहुत ही नॉर्मल से लोगों के लिए अगर अपन देखें तो अपन इस वीनस को प्यार बोल सकते हैं, लेकिन अगर अपन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए वीनस अपना रोल चेंज कर लेता है। उनके लिए वीनस होती है श्रद्धा, क्योंकि जो भगवान से जो प्यार करता है उसे बोलते हैं श्रद्धा। तो उन लोगों के लिए श्रद्धा होती है। और वीनस क्या होता है, वीनस होता है आपका लग्जरीज होते हैं, जो भी प्लेजर है वो किसी भी सेंस से है। आपके पांच इंद्रियां हैं, उनमें से जो भी आपको प्लेजर मिलता है वो सब वीनस गवर्न करता है। अगर आपका वीनस अच्छा है तो आप पांचों इंद्रियों में से प्लेजर लेने का एक इच्छा रखेंगे, आप उस प्लेजर को ले पाएंगे। तो इसी के साथ साथ लग्जरी, पैसा, सारे ऐशो आराम, सुख संपत्ति, ये सब भी वीनस के अंडर आ जाता है नॉर्मली। और वीनस अगर अपन थोड़ा और अपने भीतर जाके बात करें तो वीनस होते हैं अपने इमोशंस, अपनी जो सेल्फ इस्टीम होती है कि अपन अपने आप को किस चीज़ में अच्छा मानते हैं, अपन किस चीज़ से अपने को खुशी मिलती है, क्या चीज़ अपने को एक सेंस ऑफ सेल्फ देती है, अपनापन का एहसास देती है, ये होता है वीनस। तो अपने इमोशंस भी इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। जो मून होता है उससे भी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मून थॉट प्रोसेस के साथ भी होता है, लेकिन वीनस इज़ प्योर वाटर। वीनस जो है वो जल तत्व है, तो जल तत्व के अंदर जो प्योर इमोशंस होते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि प्यार भी आता है इसके अंदर और श्रद्धा भी आती है, दोनों के अंदर आपको प्योर प्योर इमोशंस चाहिए। तो ये हो जाता है वीनस। एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वीनस की, वो होती है डिस्क्रिमिनेटिव पावर। तो डिस्क्रिमिनेटिव पावर मतलब आपको विवेक होता है इंसान के अंदर कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो वीनस वाले होते हैं आप देखिए, उनको अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब अच्छा बिल्कुल साज सज्जों से रहते हैं। कैसे रहते हैं, उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर है कि ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी खराब वीनस के साथ जाइए खरीदारी करने कपड़ों की, वो 1 घंटे तक घूमता रहेगा लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। और जिसका वीनस अच्छा होता है उसको एक बार में जो दिखता है वो उसको समझ आ जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे चाहिए। तो ये होती है वीनस की क्वालिटी, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। एक दूसरी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वीनस की, वो होती है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब जो सोच समझ के जो लोग बोलते हैं, जो एक दूसरे के बीच की बात सुलझाते हैं, मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से। डिप्लोमेसी को हिंदी में कैसे समझा सकते हैं, डिप्लोमेसी मतलब जो इस तरीके से बोलना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी निकल जाए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ चाहिए रहती है, अपने को बात की सिचुएशन को परखना आना चाहिए, और अपने को अपनी जो वाणी है वो अच्छी और मधुर होना चाहिए। सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं, किस तरीके से बोलना ये भी आना चाहिए। तो ये होता है डिप्लोमेसी जो कि वीनस देता है। तो जो वीनस रूल जो प्रोफेशंस होते हैं ये सब डिप्लोमेसी वाले प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे जो एचआर होते हैं अपने, या फिर जो दो कंपनीज के बीच में डीलिंग करते हैं या देशों के बीच में डीलिंग करते हैं, ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। और वीनस क्या होता है, वीनस होता है जैसा कि अपन ने देखा इंद्रियों से, तो टच और स्मेल और ये सब की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें इनके जो भोग विलास वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे परफ्यूम हो गए, लग्जरी हो गई, अच्छे कपड़े हो गए, कुछ मखमल हो गया वगैरह वगैरह, जो चीज़ें होती हैं ये सब भी वीनस के अंदर आती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आता है आपका जो सेक्सुअल प्लेजर्स है, जो बेड प्लेजर्स है, और जो सेक्स का जो एक्ट है, ये सब भी वीनस के अंदर आता है। तो इसी के साथ साथ जो जेनिटल्स होते हैं फीमेल्स के भी और मेल्स के भी, ये भी वीनस के अंदर आ जाते हैं। और वीनस के अंदर आता है आपका सीमन, क्योंकि
क्योंकि वो होते हैं आपके शुक्राणु। वीनस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्लैनेट है, और जो शुक्राणु होते हैं मेल के भी और फीमेल के भी, वो वीनस से ही रूल्ड होते हैं। अगर वीनस ख़राब है तो उनकी जो मात्रा होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है। और लग्जरी के साथ साथ वीनस जैसे फोर्थ हाउस का एक कारक भी है, फोर्थ हाउस के तीन कारक हैं, मून, मार्स और वीनस। तो उसमें से जो वीनस का काम है वो आता है लग्जरी, कंफर्ट और व्हीकल्स। ये तीन चीज़ें आती हैं फोर्थ हाउस और वीनस का जो कारक है उसमें। तो जो व्हीकल्स होते हैं, लग्जरी व्हीकल्स, अच्छा, जो उसके अंदर वो होता है, जो कंपनीज़ आपने देखी होंगी, रॉल्स रॉयल्स है, बेंटली है, एस्टन मार्टिन है, ये सब जो कंपनीज़ हैं ये सब बहुत ज़्यादा वीनस डोमिनेटेड कंपनीज़ हैं। और फिर वीनस इसी के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट, जितनी भी कला है दुनिया में और जितना भी लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है, ये सब वीनस के अंडर आता है। अलग अलग प्रकार की कला, कला बोले तो गाने की भी, सुनने की भी, कुछ चित्रकारी की भी, डांस की भी, हर प्रकार की कला सब वीनस के अंदर आती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ वीनस के अंदर होती है रेजुविनेशन, मतलब ताजगी आ जाना, और रीजनरेशन मतलब इंसान को जो अपने जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मरते हैं फिर बनते हैं, मरते हैं बनते हैं, ऐसा रोज़ चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो ये होता है रीजनरेशन। तो ये जो क्वालिटी होती है वीनस वाले लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। आप देखिए वीनस वाले लोग, जो जिनका वीनस प्रोमिनेंट होता है, वो खूबसूरत कैसे दिखते हैं, खूबसूरत कैसे दिखते हैं, स्किन से दिखते हैं, चमड़ी से दिखते हैं और चेहरे से दिखते हैं। तो चमड़ी, खासकर चमड़ी ही होती है, वो इतनी अच्छी कैसे होती है, क्योंकि जो रीजनरेशन की जो है उन पावर है, उनका जो सेल्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मिट के और अच्छे बन जाते हैं, बजाय इसके सैटन के। सैटन इसके उल्टा है, वो रीजनरेशन पावर उसका इतना नहीं है, वो बहुत धीमे धीमे करता है। तो वो जो डेड सेल्स होते हैं वो डेड स्किन पे पड़े हुए हैं और वो अपनी स्किन को ख़राब करते हैं, अपने लुक्स को ख़राब करते हैं। आपने शुक्रदेव की कहानी सुनी होगी, उसमें ये बताया गया है कि उनके पास में संजीवनी बूटी थी, उनके पास में ज्ञान था कि वो मृत को भी जिंदा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जो वीनस वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है कि वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेते हैं अपने शरीर में। उनका जो शरीर है वो बहुत स्वस्थ रहता है अंदर से, वो रीजनरेशन पावर उनका अच्छा रहता है। और इससे अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो वीनस वाले होते हैं उनकी जो पेट की अग्नि होती है, जठराग्नि, वो बहुत अच्छी रहती है, तभी वो इतना, क्योंकि जो रीजनरेशन होता है वो होता कैसे, जठराग्नि की वजह से ही खाना पचेगा अच्छे से, अच्छे से आपके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तभी रीजनरेशन होगा। तो आप देखिए जो भी वीनस डोमिनेटेड लोग हैं उनकी जठराग्नि अच्छी होती है। एक कंडीशन होना चाहिए कि वीनस उसके अंदर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर वीनस ख़राब होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खराबी आती है इन सब चीज़ों में। और वीनस जो होता है ऐशो आराम का कारक होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी होता है। तो इन सब से क्या अपने को मिलता है, इन सब से अपने को एक अच्छा फीलिंग आता है अंदर से, अंदर से अपने को एक आनंद का अनुभव होता है, वो अनुभव आता है वीनस के अंदर, ठीक है। और जो फूड होता है, खाना, टेस्ट जो होता है, ये सब भी वीनस के अंदर आता है, बिकॉज़ वीनस अपना रूल करता है टॉरस साइन को, वृषभ राशि को। तो जो खाना है, खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन्स हैं और उनका जो स्वादिष्ट स्वाद है, ये सब भी वीनस के अंदर होता है। वीनस की जो उच्च और नीच की राशि होती है वो होती है पाइसिस और वर्गो, मतलब मीन राशि और कन्या राशि। तो अपन ये समझते हैं शॉर्ट में कि मीन राशि में वीनस उच्च का क्यों होता है, क्योंकि मीन राशि आती है 12वें भाव में, वो भाव होता है डिवोशन का, ट्रस्ट का, किसी के ऊपर विश्वास, पूरा विश्वास कर देने का। इसलिए वीनस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि वीनस जो है इमोशंस, और जब आप अपने भावनाओं से किसी के ऊपर पूरा विश्वास कर देते हैं तो वो वीनस अपने चरम पे पहुंच जाता है। इसका एक होता है कि आप लोगों से प्यार और विश्वास करते हैं, और एक पहलू होता है कि आप भगवान पे प्यार और विश्वास करते हैं। तो इस कारण से पाइसिस राशि में वीनस उच्च का होता है। और इसका ठीक उल्टा जो वर्गो है वो राशि है एनालिसिस करने की, अपना दिमाग लगाने की, गलतियाँ ढूंढने की, चीज़ों को परखने की, चीज़ों का हिसाब रखने की, ये सब काम के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लग जाता है। और वीनस से दिमाग का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, वीनस चलता है अपने इमोशंस पे, अपने मन की भावनाओं पे। इस कारण से वीनस जो है वर्गो राशि में नीच का हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे, एक संक्षिप्त में बताया मैंने, ये सारे पॉइंट्स थे वीनस के बारे में। और
इनमें से जब भी वीनस खराब होगा उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव होंगे, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम मिलेंगी या फिर उल्टा प्रभाव देंगी, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपन अगले वीडियो में बात करेंगे सैटर्न के बारे में।